अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटीज। ऑल ग्लोरी टू द सिंबल डिवोटीज। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परीक्षित उवाच। रजस्तमः स्वभावस्य ब्राह्मण वृत्रस्य पापमनः। नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढ़ा मतिः। देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्तिर्मुकुंद चरणे न प्रायेणोपजायते। रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरिह जन्तवः। तेषां ये केचन हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमा। मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चित् मुच्येत सिद्ध्यति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने। वृत्रस्तु स कथं पापः सर्वलोकोपतापनः। इत्थं दृढमतिः कृष्णे
आश्रित संग्राम उल बड़े। अत्र न संशय भूयान श्रोतुम कौतूहलम प्रभो यह पौरुषेण समरे सहस्राक्षमतो सयत। एक एक श्लोक पढ़िए आप लोग। रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवते कथम आसे दृढ़ा मते। देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां च मलात्मनां भक्तिर्मुकुंद चरणे न प्रायेणोपजायते। पार्थिवैरिह जन्तवः। जिस कथा को मैं जुहू में कह चुका हूँ, वृत्रासुर बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे भगवान कृष्ण के। स्वयं अपने मरने के लिए देवराज इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे। भयंकर युद्ध में युद्ध हो रहा था विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस युद्ध में इंद्र के वज्र का आघात वे स्वयं सहना चाहते थे, मरना चाहते थे, इस शरीर को छोड़कर भगवान के धाम में जाना चाहते थे। और इंद्र देवता जब वज्र नहीं चला रहे थे तो उनसे विनय की, आप चलाओ चलाओ, मैं इस संसार में विषय भोगों में नहीं रहना चाहता, मैं भगवान के पास जाकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ, आप डरिए मत कि मैं विजय प्राप्त करूँगा और स्वर्ग ले लूँगा। भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्त को कभी स्वर्ग आदि की संपत्ति नहीं देते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। तो इंद्र देवता वज्र हाथ में लिए लिए स्तंभित थे, इतना बड़ा भगवान का भक्त और इतना ज्ञानी, इतना वैराग्यवान मैं नहीं देखा। इंद्र ने सोचा, मैं अनेक युद्ध किया हूँ, अनेक राजाओं को जीता हूँ, परंतु इस प्रकार का वैष्णव मैंने नहीं देखा। इंद्र को आश्चर्य हो गया, अहो दानव सिद्धोसि, हे दानव तुम दनु वंश में जन्म लेकर भी सिद्ध हो, तुम्हारा जीवन कृतार्थ है, तुम धन्य हो, इस तरह से भगवान कृष्ण के भक्त हो। फिर उनका आश्चर्य जाता रहे, कहने लगे ये कोई आश्चर्य नहीं है, जिनकी भगवान कृष्ण में भक्ति हो गई है वे स्वर्ग के सुख को नहीं चाहते हैं, स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहते हैं। जैसे अमृत के समुद्र में जो व्यक्ति विहार कर रहा है वह मल मूत्र के गड्ढे में कैसे प्रीति करेगा, तो हम लोग तो अत्यंत नीच धरातल पर हैं कि स्वर्ग में आनंद मान रहे हैं, लेकिन तुम माया को पार कर चुके हो, भगवान की दुस्तर माया को पार कर चुके हो और भगवान में तुम्हारी ऐसी अविचल निष्ठा है, धन्यवाद है तुमको।
इंद्र भगवान भी स्तुति कर रहे थे वृत्रासुर की। ये कथा सुन करके महाराज परीक्षित को बहुत भारी संशय हुआ, संदेह हुआ। तो उसी संदेह को वे पूछ रहे हैं। जैसे भागवत में प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है तो महाराज परीक्षित स्वाभाविक पूछते हैं, रजस तमह स्वभावस्य ब्राह्मण वृत्रस्य पाप मनः नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढ़ामति। वृत्रासुर तो रजोगुणी स्वभाव का था, तमोगुणी स्वभाव का था, युद्ध कर रहा था। तो युद्ध तो स्वर्ग को जीतने के लिए ही होता था, देवताओं के संपत्ति को हड़पने के लिए हो रहा था। वह बहुत तमोगुणी भी था, मार काट में उसकी रुचि थी, हिंसा में रुचि थी, देवताओं के समस्त आयुध को निगल गया था। लेकिन ऐसे वृत्रासुर में भगवान नारायण के चरणों में इतनी दृढ़ भक्ति कैसे हो गई, उसकी मति कैसे लग गई? यह प्राय नियम है कि भगवान कृष्ण की भक्ति वही करता है जो पाप से मुक्त हो गया है। जैसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे चार पाप से मुक्त होना चाहिए, और दीक्षा के समय हम लोग पूछा करते हैं ये चार नियम क्या है। चार नियम मतलब छोड़ने के, चार पापों से बचना है। उसमें सबसे पहला है मांस भक्षण नहीं करना। जी जाएंगे संसार में अन्न खा करके, दूध पी करके, पानी पी करके, और जी करके भगवान का भजन करेंगे। जीवन में पाप नहीं करना चाहिए। पाप करके जिएंगे उससे कोई लाभ नहीं। जो व्यक्ति हिंसा करता है दूसरे जीवों का वध करके अपने पापी पेट को पालना चाहता है तो उसका परलोक बिगड़ जाता है और इस लोक में भी अनेक प्रकार के दुख होते हैं। तो ये वृत्रासुर तो स्वर्ग जीतना चाहता था, इसीलिए देवताओं को परास्त किया था ना। तो इतना कर्मों में लगा हुआ, विपुल भोगों की इच्छा करने वाला वृत्रासुर, युद्ध करने वाला, सबको मारने वाला, काटने वाला, पाप मना, पापी, ऐसे पाप में रहने वाले वृत्रासुर की भगवान नारायण में भक्ति कैसे हो गई, आश्चर्य की बात है। यदि सुखदेव गोस्वामी कहें कि क्यों पापी व्यक्ति की नारायण में मति नहीं होती है तो महाराज परीक्षित कहते हैं नहीं होती है। यहाँ तक कि देवा नाम शुद्ध सत्वा नाम ऋषिणाम चामलात्म नाम, देवताओं की भी मति भगवान नारायण में, भगवान की भक्ति में नहीं हो पाती है। और ऋषिणाम चामलात्मना, देवता जिनका हृदय शुद्ध हो चुका है और ऋषि जिनमें मल नहीं है, जो ऋषि मुनि जो सब प्रकार की भौतिक आसक्ति छोड़ चुके हैं, विषय भोगों से दूर रहते हैं, निष्कलंक हैं, ऐसे ऋषि मुनियों की भी भगवान कृष्ण में भक्ति नहीं हो पाती है। तो पापी व्यक्ति इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? भक्ति की दुर्लभता बता रहे हैं महाराज परीक्षित कि रजो भी समसंख्याता पार्थिव रिह जंतवा। इस प्राकृत जगत में जीवों की संख्या अनंत है,
रजो भी शमशान ख्याता। पार्थिव ही पृथ्वी के जितने राज हैं, परमाणु हैं, उतनी संख्या है जीवों की। इसका अर्थ है कि वे अनंत हैं। रजो भी सम संख्याता पार्थिव है, पृथ्वी के धूलि कणों के समान जीवों की संख्या अनंत है। इस संसार में सब जगह जीव हैं। इन जीवों में तेसाम केचन कोई कोई ही श्रेय आचरंती, तेसाम ये केचन श्रेय का आचरण करते हैं, अर्थात धर्म करते हैं। कोई कोई मन कोई कोई जीव, एक तो अनंत जीव हैं, उसे बताया गया है उपनिषद में कि बालाग्र सतभाग से सतधा कल्पित से चा भागो जीव सविज्ञ। संख्या तीत ही चित कणा, जीव कितना छोटा है इसका वर्णन करते हुए उपनिषदकार कहते हैं, यदि एक केस के अग्रभाग को जो टिप है बिल्कुल छोटा अग्रभाग, उस अग्रभाग को यदि 100 टुकड़ा किया जाए और उसमें से एक टुकड़े को लेकर के फिर उसके 100 टुकड़े किए जाए तो उतना बड़ा जीव का स्वरूप, उतना सूक्ष्म है, छोटा जीव का स्वरूप है। एक केस के 2 टुकड़ा भी नहीं किए जा सकते केस के अग्र भाग के, फिर 100 टुकड़ा कैसे किया जाएगा। यदि कदाचित कोई करे, कर नहीं सकता है, उतना सूक्ष्म उतना छोटा खंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए उपनिषद कहता है परिकल्पित बालाग्र सतभाग से सतधा कल्पित से च। यदि कोई कल्पना करे, विचार करे केस के अग्रभाग के 100 टुकड़ा करे और फिर एक टुकड़े को 100 टुकड़ा करे, इतना सूक्ष्म जीव का स्वरूप है। ये तो शरीर इतना बड़ा छोटा मिल जाता है, आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है। जीवा नाम अप्यहम सूक्ष्म, भगवान कहते हैं भागवत में कि मैं छोटी से छोटी वस्तुओं में जीवों से भी छोटा हूँ। जीव सबसे छोटी वस्तु है, सूक्ष्म है। तो सारा संसार भरा हुआ है जीव से। इस अनंत कोटि जीवों में कोई कोई जीव ही, खासकर मनुष्य आदि, मनुष्य और देवता यही अपने श्रेय के लिए प्रयत्न करते हैं। तेषां वै केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादय। मनुजादय मनुष्य आदि ही श्रेय करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, अपने कल्याण के लिए प्रयास करते हैं। और दूसरे जीव तो जानते ही नहीं कि कल्याण क्या है, तो प्रयास क्या करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयागराज में रूप गोस्वामी को ये बात बताए हैं, यही तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण
चौरासी लक्ष योनि ते करे भ्रमण। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव हैं और 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, एक शरीर छोड़ करके दूसरे में जा रहे हैं, आ रहे हैं। तार मध्य अस्थावर जंगम दुई भेद, और इन जीवों में दो श्रेणी है, कुछ जीव जंगम हैं और कुछ स्थावर हैं। स्थावर कहते हैं जो एक जगह स्थित रहें, जैसे पेड़ पौधे घास ये सब एक जगह रहते हैं। और दूसरे कोटि के जीव हैं वे जंगम, उनको चर कहा जाता है, जैसे मनुष्य, पशु, गाय, पक्षी, कीट पतंगे चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनको जंगम कहा जाता है, चाहे चर। और फिर भगवान कहते हैं जंगमे त्रियक जल स्थल चर विभेद, और जंगम में भी तीन प्रकार के प्राणी हैं, कुछ आकाश में उड़ते रहते हैं जैसे पक्षी, नभचर कहते हैं, और जलचर जल में जीव रहते हैं, और थलचर जमीन पर रहने वाले जीव, जैसे हम लोग जमीन पर रहने वाले जमीन पर ही जी सकते हैं, जमीन पर थलचर रहते हैं, और जलचर थलचर जलचर और नभचर। जंगम में तीन प्रकार के जीव हैं। तो जंगम में फिर कहते हैं तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। इन जंगम जीवों में मनुष्य जाति बहुत थोड़ा है, इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग सोचते हैं कि संसार में मनुष्यों की संख्या बहुत हो गई, लेकिन यह अति अल्पतर, अल्पतर अल्प ही नहीं अल्पतर है, अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत कम संख्या है। एक छोटे से जगह में, एक इंच जगह में जितने जीव हैं उतनी संख्या भी मनुष्यों की नहीं हो सकती है पूरे भूमंडल में। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सबर। फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक तो मनुष्यों की संख्या बहुत कम है, और उसमें भी मनुष्यों में भी ज़्यादा संख्या म्लेच्छों की है, बौद्धों की है, पुलिंद और सबर की है। वेद निष्ठ मध्य अर्धक वेद मुखे माने, और जो वेद को मानने वाले हैं, वेद के अनुसार चलने वाले लोग, उनमें भी आधा लोग तो केवल मुख से मानते हैं वेद को, कि हम वेद के ज्ञाता हैं, वेद वेद के फॉलोअर हैं, ऐसा मानते हैं। मतलब जो सनातन धर्मी हैं वो भी उसमें से केवल आधा सुधा ही वेद को सही सही मानते हैं, मुख से मानते हैं आधे लोग, अपने को वेद का अनुयायी मानते हैं, सनातन धर्मी मानते हैं, लेकिन वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गने,
कहते हैं, वेद को मानते हैं, लेकिन वेद में जिन पापों का वर्णन किया गया है, निषेध किया गया है, उन पापों को करते हैं और धर्म की परवाह नहीं करते हैं। वेद निषिद्ध पाप करे, धर्म नहीं गने। इस तरह से भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, और कुछ लोग अगर धर्म का पालन करते भी हैं तो वो धर्म का मतलब यही समझते हैं, कर्मनिष्ठ, कर्म करते रहते हैं विषय भोग के लिए, कर्म करते हैं। जैसे सभी लोग शहरों में देख ही रहे हैं, इतने घर हैं और इतने इतनी सुविधा है, इतने रोड हैं, गाड़ियां हैं, हर 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 किस लिए दौड़ती हैं? विषय भोग के लिए। सवेरे विरार से चाहे बोरीवली से लोग जाते हैं गाड़ियों में, ट्रेनों में भर भर करके, किस लिए? जाएंगे तो कुछ पैसा कमाएंगे, और पैसा किस लिए? ये विषय भोग के लिए। हम खाएंगे, पिएंगे, परिवार को पोसेंगे, समाज की सेवा करेंगे, इसके लिए दौड़ रहे हैं। इन सबको कर्मी कहा गया है, कर्मनिष्ठ, कर्म में रुचि है। और जाते हैं सवेरे से शाम तक वहीं बिता देते हैं, और फिर शाम को लौटते हैं उसी धक्का में आते हैं, और खा करके सो जाते हैं, और जगते हैं तो टीवी देखते रहते हैं, कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करते हैं। तो इस तरह से भगवान वर्गीकरण कर रहे हैं कि मनुष्यों में कोई कोई धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का आचरण करने वालों में भी कर्मनिष्ठ ही ज्यादा है। तो भक्ति करने वाले बहुत दुर्लभ हैं, हजारों हजार कर्मियों में कोई एक व्यक्ति ज्ञानी होता है, और करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक व्यक्ति मुक्त होता है, और करोड़ों मुक्तों में कोई एक कृष्ण का भक्त होता है। प्रायो मुमुक्षवश तेषां केच नैव दिव्योत्तमान्। इन मनुष्यों में केचन एवं कोई कोई ही मुक्त होता है, मुमुक्षु होता है, छूटना चाहता है। अधिकांश तो केवल माया को भोगना चाहते हैं, वो मुक्त होने की कोई इच्छा नहीं रखते, कोई कोई मुक्त होना चाहते हैं कि हम छूट जाएं, जन्म मृत्यु से छूट जाएं, हमको मोक्ष मिल जाए। कोई एक हजारों हजारों में चाहता है, और ऐसे मुक्तों में, ऐसे मुमुक्षुओं में कोई एक व्यक्ति मुक्त होता है। मुक्त कहते हैं जो माया बंधन से, घर गृहस्थी के बंधन से छूट जाता है, विषय भोग की आसक्ति छूट जाती है। उसे वास्तविक ज्ञान होता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और इस तरह से जन्मना मरना और विषय भोग करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस मिसकंसेप्शन से जो छूट जाए तो उसको मुक्त कहते हैं। ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्तों में कोई एक व्यक्ति सिद्ध होता है। सिद्ध मतलब मुक्त हो पाता है। एक तो जत्न ही नहीं करते हैं लोग, मनुष्य,
कश्चित जतत सिद्ध है। भगवान गीता में कहते हैं कि कोई कोई यत्न करता है सिद्धि के लिए। मुक्त होना कठिन है और मुक्त हो भी गया तो सिद्ध होना कठिन है। ऐसे मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम, नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने, ऐसे मुक्त और सिद्धों में करोड़ों करोड़ों में कोई एक कृष्ण का भक्त होता है, नारायण की सेवा करता है, नारायण सेवा परायण हो जाता है। तो ऊपर परीक्षित महाराज सहस्रेशु शब्द लगा रहे थे, अभी इस श्लोक में वे कोटिस्वपि लगा रहे, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में और सिद्धों में कोई एक नारायण परायण भक्त होता है, वो भी सुदुर्लभ, करोड़ों में एक मिल जाए ये भी बहुत दुर्लभ है, ऐसा भगवान कृष्ण का भक्त दुर्लभ प्रशांत आत्मा, जिसका चित्त प्रशांत होता है, कभी भी विषय की लालसा उसे नहीं होती है, मुक्ति की या भोगों की, संसार के भोगों की वासना नहीं होती है उसे, ऐसा भक्त सुदुर्लभ, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में और सिद्धों में एक कृष्ण का भक्त मिलना भी कठिन है, सुदुर्लभ भक्ति इतनी दुर्लभ है। पर वृत्रासुर तो परम उच्च कोटि का भक्त था, यह कैसे हुआ, उसने क्या किया था, प्रश्न यहाँ पर जा रहा है, उसने कौन साधन किया था, किसका संग किया था जिससे वह इतना बड़ा भक्त हो गया, और वो भी भक्ति देखी गई उसकी संग्राम उल बने, भयंकर युद्ध चल रहा था, एक तरफ देवताओं की सेना थी और एक तरफ असुरों के साथ वृत्रासुर युद्ध कर रहा था, और उस युद्ध भूमि में इस प्रकार से भगवान कृष्ण में अचल निष्ठा उसकी हो गई, रह गई, ये कैसे हुआ। कोई वो मंदिर नहीं था कि मंदिर में जा कर के वो प्रणाम कर रहा था, मंदिर में भक्ति हो सकती है, लेकिन युद्ध में जहाँ मारने मरने की बात है, भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, और उस भयंकर युद्ध में वृत्रासुर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मेरा मन आप में रमे, मेरी वाणी आपके गुणों का अनुवाद करे, मेरा शरीर आपकी सेवा के काम में रहे, ऐसी कृपा करो। युद्ध चल रहा था इंद्र के साथ और वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ तक कि वृत्रासुर का एक हाथ कट गया था, उस समय भी वे ज्ञान का उपदेश कर रहे थे इंद्र को, और संतुष्ट रहने के लिए उपदेश कर रहे थे, हार और जीत में सम रहना चाहिए। इंद्र के हाथ में वज्र है, लेकिन इसे वृत्रासुर को कोई भय नहीं, उल्टे वे कह रहे थे कि आप वज्र को चलाइए, मैं शरीर छोड़ करके भगवान शंकरषण के पास जाऊंगा। जब वृत्रासुर ने यह कह दिया कि अहम समाधाय मनोजथा शंकरषणस्त चरणारविंद, आप वज्र चलाएंगे तो उस समय मैं अपने मन को भगवान शंकरषण के चरण में लगा दूंगा, शंकरषण मतलब श्री बलराम जी, शंकरषण के चरणों में लगा दूंगा और मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा,
आप स्वर्ग का राज भोगिए और मैं जाऊंगा बैकुंठ में। तो संकर्षण जथा आह, जैसा कि संकर्षण ने मुझे उपदेश दिया है उसके अनुसार मैं ध्यान करूंगा। तो इस पर महाराज परीक्षित को सुन करके आश्चर्य हुआ कथा कि संकर्षण से कब भेंट हुई थी वृत्रासुर को, इस कथा को वे सुनना चाहते हैं। कब भगवान संकर्षण ने उनको उपदेश किया था, इस प्रश्न का यही मूल विषय है। परीक्षित महाराज कहते हैं, अत्र न संशयो भूयान, इस विषय में हम सबकी बहुत भारी संशय है। भूयान संशय, बहुत संशय हो रहा है। यदि यह कोई कहे कि वृत्रासुर युद्ध में भय से भगवान के शरण में गए, ऐसी बात नहीं है। वो इतने बड़े वीर थे कि अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से इंद्र को संतुष्ट कर दिए। यह पौरुषेण समरे सहस्राक्ष मतो से, वे सहस्राक्ष इंद्र देव जैसे महावीर को संतुष्ट कर दिए। युद्ध में उनको कोई भय नहीं था। तो वृत्रासुर के शरीर में तो उन्होंने कोई भक्ति किया नहीं था, कोई साधन नहीं किया था, केवल पाप किया था, केवल मार काट किया था। तो कब भक्ति किया, कब संकर्षण देव से उसकी भेंट हुई, इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रशंसा किए महाराज परीक्षित की और इस प्रकार से बोले। श्रृणु स्वावहितो राजन इतिहासम इमं जथा, हे राजन सुनो, मैं तुमको इतिहास सुना रहा हूँ। जथा जथावत एज इट इज, जैसा यह इतिहास मैंने सुना है। श्रुतम द्वैपायन मुखाद नारदा देवलादपि, इस इतिहास को मैंने भगवान वेदव्यास देव के श्रीमुख से सुना है, श्री नारद मुनि के मुख से सुना है और मुनि देवल के मुख से मैंने सुना है। तीन तीन महान पुरुषों से सुना हूँ। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी सुने हैं तीन पुरुषों से, जिस कथा को सुना रहे हैं वही कथा आप लोगों को इस सप्ताह में या नौ दिन में सुनाई जाएगी। तो सबसे जरूरी है कि अवहित श्रृणुस्व अवहित, हे राजन सावधान होकर के सुनो, चित्त को एक जगह इकट्ठा करके एक एक बात पर ध्यान दो। श्रृणु स्वावहितो राजन इतिहासम इमं जथा, यह इतिहास है, सच्ची घटना है, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की घटना है और यह कोई मनोकल्पित कथा नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं इसे मैंने तीन ऋषियों से सुना है, भगवान वेदव्यास देव से, नारद मुनि से और देवल ऋषि से। श्रुतम द्वैपायनम खात नारदा देवलादपि, जैसा मैं सुना हूँ वही सुनाऊँगा, उसमें कुछ बढ़ाऊँगा नहीं घटाऊँगा नहीं, बिल्कुल ठीक ठीक कथा। तो तुम सावधानी के साथ इसे सुनो। सुनने के लिए ही महाराज परीक्षित प्रश्न किए थे, ऊपर से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रृणुस्व अवहितो राजन, राजन सावधानी से सुनो, बीच में कोई फोन अटेंड मत कर रहा,
चित्त को थोड़ा भी इधर उधर मत देना, सावधानी से सुनो, एक एक शब्द पर ध्यान देकर के सुनो। आसित राजा सार्वभौम सुर सेने सुवाई नृप चित्र केतु रीति ख्यातो जस्या सिद्ध काम धुमही। सुखदेव जी इतिहास सुना रहे हैं, आसित राजा सार्वभौम एक समय एक राजा थे जो समस्त पृथ्वी के सम्राट थे, सारी पृथ्वी उनके शासन में थी। वे सूरसेन प्रदेश के राजा थे, वे मथुरा के राजा थे, पर सारा भूमंडल उस समय भारत के अधीन था, इसलिए सार्वभौम उस राजा को कहते हैं। मथुरा उनकी राजधानी थी, सूरसेन प्रदेश के वे राजा थे, पर संपूर्ण पृथ्वी उनके अधिकार में थी। आसित राजा सार्वभौम सर्वभूमि का जो मालिक हो उसको सार्वभौम कहते हैं। आसित राजा सार्वभौम सुरसेनेसु, सुरसेन देश कहा जाता था, मथुरा जिला को मिलाकर मथुरा अलीगढ़ हाथरस और आगरा और कुछ भरतपुर को लेकर इस भूखंड को सूरसेन कहा जाता था। तो सूरसेन के वे राजा थे पर उनके अधिकार में संपूर्ण पृथ्वी थी, उनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु रीति ख्यातो, चित्रकेतु संज्ञा उनकी थी, बहुत विख्यात थे। जस्या सिद्ध काम धुमही, जिनके शासन काल में यह पृथ्वी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, पृथ्वी से सब कुछ उत्पन्न होता था, पर्याप्त फल, पर्याप्त अन्न, पर्याप्त दूध, जितनी जनता को जीवों को जरूरत थी ये सब कुछ देती थी। जस्य आसित काम धुंगमही, जिनके शासन में यह पृथ्वी सब कुछ देती थी, जो चाहिए जितनी आवश्यकता थी सब पूरा करती थी, केवल मनुष्यों को ही नहीं सभी जीवों को पर्याप्त भोजन देती थी। आजकल तो मनुष्यों को भी सब चीज मिलना कठिन होता जा रहा है, और महाराज चित्रकेतु के समय पृथ्वी यथेष्ट वस्तुओं को देती थी, जितनी इच्छा होती थी, पर्याप्त दूध, फल, अन्न, वस्त्र आदि सब कुछ। पृथ्वी को भगवान ने इस तरह से बनाया है कि इस पृथ्वी पर असंख्य जीव सुख से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। यह केवल मनुष्यों की गड़बड़ी है कि पानी तक नहीं मिलता है, दूध गायब हो गया, अब अन्न की समस्या भी है, लेकिन यदि राजा भगवान का भक्त हो और भगवान के आज्ञा के अनुसार शासन करे तो पृथ्वी पर किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। सब जगह स्वच्छ सुंदर स्वादिष्ट जल मिलेगा और अन्न फल आदि सब,
तो महाराज चित्रकेतु के राज्य में यह पृथ्वी समस्त इच्छित वस्तुओं को देती थी। जस्या सिद्ध काम धूमही, उस राजा की कथा है। तो प्रजा सुखी थी, किसी बात की कमी नहीं थी। तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवन, उस राजा की 1 करोड़ रानियां थी। पहले ही कहा गया कि ये कोई परिकल्पित कथा नहीं है, ये भगवान व्यास देव से सुनी हुई कथा है, और देवर्षि नारद जी से, देवल मुनि से और सुखदेव मुनि से, हम लोग तो 4 व्यक्ति से सुन रहे हैं ना। ये बिल्कुल सत्य कथा है। राजा की 1 करोड़ रानियां थी। 10,000 से 1,000 का गुणा कीजिए तो 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन संतानी कष्ट निर्पन्न लेभे तासु संतति, संतान उत्पन्न करने के योग्य होने पर भी राजा उन रानियों से, अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न नहीं कर पाए। यद्यपि सब तरह से योग्य थे, संतान उत्पन्न करने की उनकी योग्यता थी और इच्छा भी थी, लेकिन रानियों की संख्या 1 करोड़ थी और एक भी बच्चा नहीं हुआ, संतान नहीं हुआ। दैव योग से सब स्त्रियां बंध्या हो गई। ऐसा लगता था कि वे सेठ के सेठ विवाह करते थे, राजा थे पूरे पृथ्वी पर, कभी 10,000 से विवाह किए, वे सब भी बांझ हो गई। राजा का दोष नहीं था, राजा तो सब सक्षम थे, संतानी का संतान उत्पन्न करने के योग्य थे, परंतु स्त्रियां जो भी मिली सब दैव योग से बंध्या मिल गई। इस तरह से विवाह करते करते 1 करोड़ विवाह किए, पर एक भी संतान नहीं, एक भी पुत्र नहीं हुआ या पुत्री। इस सृष्टि में विचित्र विचित्र घटना होती है। 1 करोड़ स्त्रियां हैं और उनसे एक भी बच्चा नहीं हुआ। इस सत्य इतिहास वर्णन किया जा रहा है। डॉक्टरों ने सब परीक्षण करके देखा, राजा में शक्ति थी पुत्र उत्पन्न करने की, लेकिन रानियां जो थी वे वही बैरन हो गई, वो उत्पन्न नहीं कर सकते थे, इसलिए कोई संतान नहीं है। तस् भार्या सहस्राणाम सहस्राणी दशा भवान, संतानिकश्चाप निर्पन्न लेभे तासु संतति। तासु उन पत्नियों में नृप राजा संततिम न लेभे, प्राप्त नहीं कर पाए पुत्र। न तस्य संपद सर्वा महिष्य वामलोचना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा को सब सुख था, लेकिन फिर भी वे प्रसन्न नहीं थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, संपदा महिष्या वामलोचना, और बहुत सुंदर नेत्रों वाली पत्नियां थीं। वामलोचना मतलब मनोहर नेत्रों वाली स्त्रियां, बहुत सुंदर थीं,
सब ज्योति थी, सुंदर थी, लेकिन ये सुंदर रानियाँ और भूस चयम और यह संपूर्ण पृथ्वी जहाँ के वे राजा थे, ये सब भी उनके प्रसन्नता के कारण नहीं बन पाए। संपन्नस्य भूश्चयम् प्रीति हेतव, राजा को प्रसन्न नहीं कर पाए अर्थात इससे खुश नहीं थे। सब सब जगह केवल धन भरा है और परम सुंदर पत्नियां हैं, परंतु एक पुत्र के बिना वे दुखी रहते थे, उनको किसी से सुख नहीं हुआ। संपत्ति भरी है, रानियां अनुकूल हैं, सुंदर हैं, पर वे चिंतित रहते थे। रूपव दार्ज वयो जन्म विद्येश्वर्ज श्रियाद भी संपन्न से गुणे सर्व चिंता बंध्या पते रघु। राजा बहुत सुंदर थे और वय युवक थे, सुंदर शरीर था, बहुत भारी जवानी थी, बहुत पढ़े लिखे थे, संसार में सबसे टॉप एजुकेशन लिए थे, चाहे युद्ध विद्या आदि हो चाहे कुछ भी हो सब जानते थे, सारी विद्याएं उनको प्राप्त थी, सारा धन था, संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार था और पत्नियां पतिव्रता थी, उनसे प्रेम करती थी, लेकिन बंध्या पते रभूत, पर उनको जितनी पत्नियां मिली सब बंध्या मिली, इस कारण से वे चिंता में रहने लगे। हमेशा केवल इसी चिंता में रहते थे कि हमको पुत्र नहीं है, अब हमारे बाद इस भूमंडल की रक्षा कौन करेगा, कौन प्रजा का पालन करेगा, तो बहुत चिंतित रहते थे। इस संसार में भोगों का यही स्वरूप है, समस्त भोग सुलभ हो फिर भी अभाव की अनुभूति होती ही है। राजा चित्रकेतु सब तरह से योग्य थे, भरे पूरे थे, राज्य था, संपत्ति थी, रानियां थी, पर एक पुत्र के लिए वे सब मर रहे थे। और पुत्र होने के बाद भी इन्हें सुख नहीं होगा, कोई न कोई अभाव रहता ही है, इस जगत में कोई पूरा नहीं है। जिसके पास बहुत धन है उसके मन में भी किसी न किसी अभाव की कल्पना है, सुख केवल संतोष में है, भगवान के स्मरण में है, और सफलता आदि में कोई सुख नहीं है। स्त्रियां मिली हैं एक नहीं करोड़, और वो भी परम सुंदरी हैं, परम गुणवती हैं, पर उनको पुत्र नहीं हो रहा है तो राजा को बहुत चिंता है। प्रत्येक व्यक्ति इस माया जगत में जल रहा है, अभाव की कल्पना करके जल रहा है, कोई न कोई अभाव मन में सोचता रहता है, अगर ये बात हो जाती तो मेरे लिए ठीक होता। बचपन में हमारा एक मित्र था, स्कूल में पढ़ते समय तो उसको मैं देखा, प्रत्येक बात के लिए अभाव कहते थे,
जब कभी भोजन मिलता था खाने के लिए, मान लीजिए खिचड़ी मिली है, तो खिचड़ी में घी भी है, अचार भी है, लेकिन वो कहता था यदि पापड़ नहीं है तो बिल्कुल खराब है। कुछ मिल गया तो ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, तो जो नहीं है उसी का चिंतन हो रहा है और जो सामने है उसमें आनंद नहीं है। जो वस्तु नहीं है उसमें व्यक्ति सुख देखता है और सोचता ये रहती तो हमको बहुत अच्छा होता, ये वस्तु हमारे पास रहती तो अच्छा होता, कि वस्तु में सुख नहीं है उसकी याद में भी जलन है और मिल जाएगी तो जलन क्यों नहीं होगी। किसी भी भोग में सुख नहीं है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख जो नए होते। भगवान कहते हैं इस संसार में जो भी भोग हैं ये दुख की योनि है, दुख के कारण है, दुख को उत्पन्न करने वाले, तो सुख कैसे हो सकते हैं। अनेक प्रकार के दुख उनसे उत्पन्न होते हैं। कौन भोग? संस्पर्शज भोग, जो इंद्रियों को मात्राओं के स्पर्श से प्राप्त होते हैं। जैसे आँख को किसी रूप को देखने से सुख मिलता है, भोग, ये भोग है। नेत्र का भोग या त्वक का भोग, किसी चीज़ को हम लोग छूते हैं कि ठंडा या गर्म, तो त्वक का भोग है। शब्द सुनते हैं तो ये भोग है। कान का भोग, कोई चीज सूंघते हैं नासिका से, नासिका का भोग है। तो यही संस्पर्श जा भोगा, जो भी इंद्रियों के संस्पर्शज भोग हैं ये केवल दुख देने के लिए, दुख उत्पन्न करते हैं, कोई सुख नहीं। और जीव उनको चाहता है कि हम ये चीज प्राप्त करेंगे, सुख हो जाए। जैसे फतिंगा दीपक की लौ को देखता है, अग्नि शिखा को देखता है, तो सोचता है ये बहुत अच्छी चीज है, मैं इसका आलिंगन करके इसको टच करके सुखी हो जाऊंगा। लेकिन वो जाते ही जल जाता है, उसके पंख झुलस जाते हैं, वो गिर करके छटपटाने लगता है। वो फतिंगा आग के संपर्क में आने पर क्या सुखी होता है? नहीं, तो जलने लगता है। यही हालत सभी भोगों की है। व्यक्ति सोचता है धन में सुख है, लेकिन धन केवल जलाने के लिए है। धन कमाने में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है और धन इकट्ठा हो गया तो चोरों से भय होता है, पारिवारिक लोगों से भय होता है, ये कोई ज़्यादा खर्च ना कर दे, तो उसकी रक्षा करने की चिंता होती है। और उससे अगर दूसरे भोगों को खरीदे व्यक्ति तो वो भी दुख ही देने वाले हैं। यही कारण है कि ये धन और भोग इन सब का त्याग करके बड़े बड़े विवेकी पुरुष वन में चले गए, भगवान का भजन करते थे। तो भक्ति में सुख है और भोगों में सुख नहीं है, राजा इसी चिंता में रहते थे। तो इसके बाद कथा आ गया है कि तस्से कदातु भवनम भगवान अंगिरा ऋषि, उनके राजभवन में एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा जी बहुत तेजस्वी ऋषि हैं,
आए तो राजा ने उनका बहुत स्वागत किया, उनको आसन दिया, उनकी पूजा किया और उनके पास बैठ गया, जमीन पर बैठ गया। राजा अंगिरा मुनि को आसन पर बैठाया, सिंहासन पर, और स्वयं जमीन पर बैठ गया ऋषि के सामने। चिंता थी ही कि हमको पुत्र हो, तो अंगिरा ऋषि समाचार पूछने लगे राजा से, राजन आप स्वस्थ हैं ना, और आपके राज्य के जो प्रकृति हैं, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, और आपके सब सचिव, सब ठीक है ना, आपका राजकाज ठीक से चल रहा है ना, जैसा जो व्यक्ति होता है उसे वैसा समाचार पूछा जाता है। वे राजा थे, अतः राजा से अंगिरा ऋषि उसी तरह से प्रश्न कर रहे हैं, आपकी सेना ठीक से है ना, आपकी आपका किला ठीक से है ना, आपकी रानियां ठीक से है ना, और सभी आपके बस में रहते हैं ना। यह पूछते पूछते उन्होंने प्रश्न पूछ दिया, आपके सब पुत्र आपके बस में है ना? अरे एक भी पुत्र है ही नहीं, सब पुत्र बस में और अबस में क्या होना। वे और ज्यादा उदास बैठे थे जमीन पर। तो अंगिरा जी ने यह भी कह दिया कि जिसका मन बस में होता है उसके बस में सब प्रजा, उसकी रानी, पुत्र सभी रहते हैं। अगर मन बस में नहीं है तो कोई बस में नहीं होता है। सबसे बड़ा काम है मन को बस में करना। लेकिन मैं देख रहा हूँ राजन, तुम्हारा मन बस में नहीं है। तुम्हारे फेस को देख करके मैं अनुमान करें तुमको किसी वस्तु का अभाव है। इतने बड़े राजा हो लेकिन खुशी नहीं है तुम्हारे मुख पर। तो किस बात की चिंता है, क्या तुम्हें अभाव है? तो इस प्रश्न को सुनकर राजा मन में तो बहुत सुखी हुए कि अब इतने बड़े ऋषि कोई उपाय कर देंगे। जब पूछ रहे हैं तो उपाय कर दें। तो उन्होंने कहा राजा ने कहा कि हे भगवान, आपको कौन सी बात विदित नहीं है? किसी भी देहधारी के बाहर या मन में, भीतर या बाहर जो कुछ भी है वो सब आपको ज्ञात है। आप जैसे योगियों को, भक्तों को, ध्वस्त पापा नाम, जिनका पाप नष्ट हो गया है, उनके लिए क्या अविदित है? किसी प्राणी के मन में क्या है उसको भी आप लोग जानते हैं, और बाहर क्या है सब जानते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा है, आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी आज्ञा है। आपकी आज्ञा है हमारी चिंता को सुनाने की, तो आपको चिंता सुना रहा हूँ। ये बोलने की कला है, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। पहले अपनी पूर्णता को सुना रहे हैं। हे प्रभु, हमें लोकपालों को भी दुर्लभ भोग प्राप्त है, जो इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि, यहाँ तक कि ब्रह्मा को भी जो भोग प्राप्त नहीं है वो भी हमको प्राप्त है। वास्तविक इसका अर्थ यह है कि इस सूर्यसेन प्रदेश में भगवान का धाम पड़ता है मथुरा,
ब्रजमंडल, तो वहाँ जन्म लेने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, इंद्र भी तरसते हैं, उनको भी ये साम्राज्य मिलना कठिन है। इस उद्देश्य से कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोकपाल भी तरसते हैं जिस राज्य को पाने के लिए, कि मुझे वह राज्य प्राप्त है, वह संपत्ति प्राप्त है। लेकिन मैं अप्रज हूँ, बिना पुत्र के हूँ, इसलिए ये सब संपत्तियाँ हमको सुख नहीं दे पाती हैं। मैं सुखी नहीं हूँ, मैं चिंता में हूँ, इसीलिए कि हमको पुत्र नहीं है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे भूख और प्यास से व्याकुल किसी व्यक्ति को जल और भोजन के अलावा विविध संगीत सुनाने से या माला पहनाने से, चंदन का लेप करने से या स्त्री संग आदि प्रदान करने से वो सुखी नहीं हो सकता है। इसी तरह से मेरा मन सुखी नहीं है। लोक पालय रपि प्रार्थया साम्राज्य स्वर्ग संपदा नंदयंत प्रजम माम क्षुत्रिड कामम इवा परे। जैसे पानी या कुछ पेय पदार्थ को पीने की जिसको इच्छा है, प्यास लगी है और भूख लगी है खूब कस करके, तो ऐसे व्यक्ति को भोजन और पानी न दे करके यदि कुछ दिया जाए, माला पहनाई जाए, कि माला पहन लीजिए, चंदन का लेप कर लीजिए, तो उसे सुख नहीं मिल सकता है। तो मैं, मुझे साम्राज्य मिला है और पुत्र नहीं है, तो मुझे कोई सुख नहीं है। और मैं क्या बताऊं, हमारे पूर्वज जितने हैं वे सब नरक में जाएंगे, हमारे पूर्वज नरक में गिरने वाले हैं और पूर्वजों के साथ मैं भी नरक में गिरूंगा, क्योंकि शास्त्र सुना हूं कि जिसको पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती है, वो नरक में गिरता है। तो आप कृपा कीजिए, चरणों में गिर करके राजा कहता है, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए घोर नरक से, हमारे पूर्वजों को बचाइए, हमको प्रजा दे करके, पुत्र दे करके, और हमको नरक से बचा लीजिए, दुख से बचा लीजिए। इतने कह करके राजा रोने लगा। एक ऋषि के सामने वो रोने लगा। तब अंगिरा जी समर्थ थे, उन्होंने एक छोटा यज्ञ करवाया राजा से। यज्ञ में चरु पकाए, खीर पकाए, त्वष्टा देवता के मंत्रों से उस खीर को पकाए। ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान के लिए जब भोजन बनाया जाता है तो उस समय कोई क्रोध या सांसारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर महामंत्र बोलते रहेंगे धीरे धीरे, या भगवान का कीर्तन करते रहेंगे, जब प्रसाद बनाएंगे तो उसमें भगवतीय गुण आ जाता है। क्रोधित मन से भोजन नहीं बनाना चाहिए, या किसी चिंता में रह करके, इस भाव से बनाना चाहिए कि भगवान का प्रसाद हमें तैयार करना है और उसी प्रसाद को खाना है। तो ये जब बना रहे थे खीर चरु, तो त्वष्टा देवता के मंत्र पढ़ रहे थे, और त्वष्टा देवता कहीं यजन किए, यज्ञ से उनकी आहुति दिए,
और यज्ञ पूरा करके यज्ञ के शेष जो हवी बची थी, खीर बचा था प्रसाद, उसको अंगिरा ऋषि स्वयं ही अपने हाथ से सबसे ज्येष्ठ और सबसे श्रेष्ठ पत्नी को दिए। राजा की समस्त पत्नियों में जो सबसे श्रेष्ठ थी और ज्येष्ठ थी, ज्येष्ठ का अर्थ था कि जिसका विवाह सबसे पहले हुआ था, और श्रेष्ठ भी थे वो, सिलवती थी, गुणवती थी और सबसे पहले विवाह हुआ था, उसका नाम था कृतद्युति, कृतद्युति। उसको दिए कि ये इसको लो, खा लेना, इससे पुत्र होगा। सबके सामने अंगिरा ऋषि उसी को दिए, इसको लो, खा लेना, इससे पुत्र होगा। और उन्होंने राजा से कहा कि भवितैकस्तवात्मजः, इसको खाने से तुमको एक पुत्र होगा। कृतद्युति से हर्ष शोक प्रदस्तुभ्यम, उन्होंने कहा कि इस पुत्र से तुमको हर्ष होगा और शोक भी होगा, जन्मना हर्ष होगा और मरणेन शोक होगा। इसको उन्होंने कहा नहीं कि क्यों हर्ष होगा, क्यों शोक होगा, तो हर्ष तो होगा है तो सब मालूम था। राजा है सोचा कि पुत्र जन्म लेगा तो हर्ष होगा, और राजा का लड़का है तो धन के अभिमान में हो जाएगा, उदंड हो जाएगा, तो इसलिए हम शोक होगा। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, पुत्र तो हो। उसने कभी ये नहीं सोचा कि पुत्र मर जाएगा, और खुशी में अंगिरा जिसे इसका एक्सप्लेनेशन पूछा नहीं किस बात से शोक होगा, खुशी में हो गया था, पूछा नहीं, और अंगिरा ऋषि चले गए। तो बहुत खुशी हुई पूरे राज्य में ये खबर सुन करके कि राजा को पुत्र हुआ है। और पहले गर्भवती हुई, महाराज चित्रकेतु से उसको गर्भ हुआ, कृतद्युति को, तो गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगा, बहुत आनंद छाया। और पुत्र का जब जन्म हुआ तो राजा परम हर्ष के साथ बहुत दान दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसने 6 अरब गौवें दान दिया, अरब दान सत 6 अरब 60 करोड़, 10 करोड़ को अरब कहते हैं, तो 60 करोड़ गौवें दान दिया खुशी में। और ब्राह्मणों को और भी बहुत सी वस्तुएं दान दिया, सारी जनता को दान दिया। बहुत बड़ा आनंद हुआ, बहुत बड़ी खुशी हुई पुत्र के उत्पन्न होने से। जितना आनंद हुआ उतना ही भारी दुख होगा, इस बात को राजा नहीं समझ रहा था। तो ये कथा कंटिन्यूअस अभी चलेगी, यहीं पर हम विश्राम करते हैं। जय श्री प्रभुपाद।